हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड ऑफ विशाखा करंट अफेयर्स एकेडमी। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं विशाखा मिस और आज आपके लिए लेके आई हूँ 20 मई का करंट अफेयर्स। तो देख लेते हैं। तो पहले ये जानना जरूरी है कि करंट अफेयर्स किसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये करंट अफेयर्स सभी के लिए इम्पोर्टेंस, एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंस है, नॉन एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंस है। कि इसी से हमें मालूम पड़ता है कि पूरे दुनिया भर में, पूरे देश में क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, काफी क्या चल रहा है, करंट अफेयर से हमें मालूम हो जाता है। और मैं हमारे इस चैनल पे मैं डेली करंट अफेयर्स डालती रहती हूँ, अपलोड करती रहती हूँ। और इसके जो भी वीडियोस है आपको मेरे विशाखा करंट अफेयर्स एकेडमी पे टेलीग्राम चैनल पे आपको वीडियोस इसके सभी के मिल जाएंगे। प्लस मेरे इस चैनल पे अगर आप सही जवाब देते हो तो आपका नाम और आपका फोटो अगले मेरे इस वीडियो में जरूर हम दिखाएंगे। तो बने रहिए। और आखिरी में आज मैं पूछूंगी आपको एक कुछ सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में आके आपको देना है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे मेरे इस वीडियोस के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी कर लेना अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी फैमिली मेंबर्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स ऑफ 20 मई 2021। तो अमेजन इंडियन द्वारा मिनी टीवी नाम से वीडियो निर्मित सार्वजनिक लॉन्च किया गया है। दूरसंचार विभाग के सचिव श्री अंशु प्रकाश ने नेटवर्क शिक्षोरियत पर एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 करोड़ राशि आवंटित की है। मायगांव उच्च शिक्षा विभाग के साथ मिलकर भारतीय भाषाओं को सिखाने का ऐप बनाने के लिए इन्वेक्शन चैनल शुरू किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के ने कोरोना काल में वृद्ध जमों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन एल्डर लाइट शुरू की है। आगे बढ़ने से पहले वापस आपको मैं सूचना देती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी चैनल पे आपको मिलेंगे रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स की न्यूज, हेडलाइन सभी कुछ आपको यहीं मिलेगी। जनजाति मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जनजाति स्कूल्स के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किया है। नई दिल्ली शहर में स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है। आज के लिए इतना ही। और आज का हमारा सवाल है, भारत का पहला कृष्ण नियत सुविधा केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत का पहला कृष्ण नियत सुविधा केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? पहला महाराष्ट्र पुणे, सेकेंड बिहार पटना, थर्ड छत्तीसगढ़ रायपुर और फोर्थ पंजाब अमृतसर। इनमें से कोई चारों में से एक सही जवाब है। और आपको एग्जाम में भी करंट अफेयर्स के कुछ इसी तरीके से आपको ये सवालों का आपको जवाब देना है। तो फटाफट आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में आपका नाम और आपका फोटो आ सकता है। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर लेना, जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपको अच्छा ही लगे होगा, बहुत अच्छा मैं कंटेंट लिख के हूँ, आपको मजा आया होगा आज का हमारे इस वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे हो, सब अच्छे से ध्यान रखिए, जरूर मास्क पहनिए और घर से बाहर बिल्कुल मत निकले। जब तक आपका कुछ काम नहीं हो तो बिल्कुल मत निकले, घर पे ही रहिए और वैक्सीन जरूर लगा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट वंस अगेन। और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, विशाखा करंट अफेयर्स एकेडमी आपके लिए हमेशा ओपन है 24/7। और यहाँ तक कि यूट्यूब के कमेंट बॉक्स भी आपके लिए ओपन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से यूज कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे।